केक बनाने का सोच रहे हैं, डेकोरेशन के लिए टूटी फ्रूटी भी नहीं है, तो आज मैं आपको तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये साल भर तक ख़राब नहीं होता है और जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी तरह का ये टेस्ट करता है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने तरबूज का छिलका लिया है, तो सबसे पहले हम इसका जो ग्रीन पार्ट है उसे काट कर निकाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ ये जो सफ़ेद हिस्सा है इसका ही इस्तेमाल करना है, तो इन्हें हम छोटे छोटे क्यूब शेप में कट करके लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम आप घर में जब भी तरबूज लाएंगे ना, तो उसका छिलका जो है ना आप फेंकेंगे नहीं, इतना काफ़ी है। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। गैस पर मैंने 4 ग्लास पानी उबलने रखा था, तो पानी जो है अब गर्म हो चुका है। आँच को जो है मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इन्हें हम इसमें डाल लेते हैं और 3 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। हम इसे इसलिए उबाल कर ले रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी कड़क है, तो ये हमें हल्के सॉफ्ट चाहिए, इसलिए हम इसे सिर्फ 50% यानी कि आधा ही कुक करेंगे, पूरी तरह से इसे कुक नहीं करना है। 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये हल्के सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं, तो इसे हम पानी से निकाल लेते हैं यानी कि इसे छान कर ले लेते हैं। पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे हम ओवर कुक ना करें, वरना रेसिपी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और आपकी जो टूटी फ्रूटी है मार्केट जैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमें एक चाशनी रेडी करनी पड़ेगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और इसी में हम 1 कप पानी डालेंगे। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी का ही इस्तेमाल करना है। इसे हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस ये हल्की गाढ़ी होनी चाहिए, जैसे कि हनी यानी कि शहद गाढ़ा होता है। इसमें अब उबाल आ रहा है और ये हल्की गाढ़ी भी हो गई है। जो हमने छिलके को ठंडा करने रखा है इन्हें हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक ये चाशनी जो है पूरी तरह से सूख ना जाए और उसका जो मीठापन है ना इसके अंदर तक समा ना जाए। इसका जो पानी है ऑलमोस्ट सूख गया है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप उसे ना डालें। तो अब ये पककर पूरी तरह से रेडी है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बाउल लिए हैं। ये इसलिए लिए हैं क्योंकि टूटी फ्रूटी जो आपने देखी होगी मार्केट में अक्सर बहुत सारे कलर में मिलती है, येलो कलर में मिलती है, वाइट कलर में मिलती है, रेड कलर में मिलती है, ग्रीन कलर में मिलती है, तो हम 4 कलर की टूटी फ्रूटी बनाने वाले हैं। इसमें हमारी जो टूटी फ्रूटी है प्लेन बनेगी जिसमें कोई कलर नहीं रहेगा। साथ ही में जो बाकी के 3 बाउल है इसमें आप देख सकते हैं मैंने हरा कलर, लाल कलर और ऑरेंज कलर लिया है। ये जो सारे कलर है वो होममेड नेचुरल कलर है जिसे मैंने घर पे बनाया है। अगर आपके पास मार्केट वाला फूड कलर है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है जिससे कि हर एक क्यूब में कलर जो है अच्छे से चढ़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी से दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बट अभी भी टूटी फ्रूटी बनी नहीं है कि इसे 12 घंटे के लिए ऐसे किचन काउंटर पर छोड़ देंगे जिससे कि पूरा जो कलर है वो हर एक पीस पे अच्छे से चढ़ जाएगा। 12 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कलर है परफेक्टली चढ़ चुका है। तो अब हमें इन्हें ड्राई करके लेना है, ये अभी भी काफ़ी गीले हैं। यहाँ पर मैंने प्लेट लिया है, साथ ही में उसके ऊपर इस तरह की एक जाली रखी है। अब हम करेंगे कि सबसे पहले इन टूटी फ्रूटी को छान कर ले लेंगे। इसे हमें इस तरह से फैला कर रखना है। हम ये इस तरह से इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी पानी रहेगा या जो भी इसकी जो चाशनी रहेगी वो टपक के प्लेट में नीचे गिरे और ये अच्छे से ड्राई हो। तो इन्हें जो है हम फैन के नीचे इसी तरह से सूखने के लिए रख देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए सूखने के बाद बिल्कुल टूटी फ्रूटी की तरह नज़र आ रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल टूटी फ्रूटी की तरह ही टेस्ट करेंगे। मैंने हल्के बड़े पीसेस रखे हैं, आप चाहो तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके इन्हें इस तरह से बना सकते हैं।
आप इन्हें कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये खराब नहीं होंगे। तो आप इसका इस्तेमाल पूरे साल भर केक बनाने के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी से टूटी फ्रूटी वाला केक बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप पैकेट वाला मिक्स फ्रूट जूस लिया है। इसी में हम एक बड़े चम्मच के करीब किशमिश डालेंगे। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे काले किशमिश भी है, तो इसे भी डाल देते हैं। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ली है और ये लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब है। टूटी फ्रूटी जो है वो प्लम केक में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम 2 बड़े चम्मच के करीब बादाम के टुकड़े, 2 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ अखरोट और 1 बड़े चम्मच के करीब चिरौंजी डालकर सारी चीज़ों को जूस में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट जो है वो अपने पसंद अनुसार या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनमें जूस का फ्लेवर भी आ जाए। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे और इसी में 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर अब हम गैस को ऑन करेंगे। इसे मिलाते हैं और चीनी को पिघलने देंगे। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और अब ये कैरमलाइज होने लगी है। और ये जैसे पूरी तरह से कैरमलाइज हो जाए, इसमें हम 4 बड़े चम्मच के इतना पानी डालेंगे और इसे चला लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी का जो कलर है वो कैरमलाइज होने के बाद गोल्डन हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और ये कच्चा दूध नहीं है। दूध को जो है मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका डालेंगे, बट यहाँ पे आप नींबू का इस्तेमाल ना करें। इसे हम हल्का चला लेते हैं और अब हम इसे साइड में ऐसे ही रखेंगे, जिससे कि इसका जो दूध फटने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। 1 घंटा हो गया है और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें यहाँ पे जो हमने कैरमलाइज करके चीनी रखी थी, अब ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसे इसमें हम डाल देते हैं। साथ ही में हम 1/4 कप चीनी भी डालेंगे और इन्हें हम मिला देते हैं, जिससे कि चीनी जो है वो जूस में अच्छे से घुल जाए। अब हम इसमें कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की छलनी ली है। इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप चीनी की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा दें। अब हम इन सारी चीज़ों को छान के ले लेते हैं, जिससे कि कोई गुठली ना रहे। ये देखिए इस तरह से जो मोटे पीसेस हैं इन्हें हम साइड कर देंगे। नॉर्मल जो प्लम केक होता है उसमें अल्कोहल होता है, तो आज हमारा जो प्लम केक है वो अल्कोहल फ्री है, इसीलिए हमने जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें जूस में सोक करके लिया था। आप देख सकते हैं सारे मिक्सचर को मैंने जूस में अच्छे से मिला दिया है, बट ये अभी काफ़ी ड्राई है। तो हमने जो ये दूध रखा था ये अब पूरी तरह से फट चुका है, तो इसे हम आधा डालेंगे और मिला देते हैं। बचा हुआ अभी दूध डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला हो गया है। यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप पिघला हुआ बटर है। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। बटर डालने से होगा कि हमारे केक को एक शाइन भी मिलेगी, साथ ही में इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें हम 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे और यहाँ पे मेरे पास केवरा वाटर है, तो इसके कुछ 2 बूंदे डाल देते हैं और रोज़ वाटर है, इसके भी 2 बूंद डालकर इसे मिला देते हैं। अगर आपके पास केवरा वाटर या रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसे ना डालें, बट वेनिला डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा जो प्लम केक का बैटर है यह बनकर रेडी है। तो आज हम केक को जो है भगोने में बेक करने वाले हैं। तो भगोने में हम 1 कप के करीब नमक डालेंगे, बट आप चाहो तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं या फिर आप इसे ओवन में भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर सकते हैं। और साथ ही में इस तरह का स्टैंड रखेंगे। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पे प्री हीट होने देते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है हम केक के बैटर को मोल्ड में फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का केक मोल्ड लिया है, आप कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसे बटर से ग्रीस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का बटर पेपर है, बट अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मली जो ड्राई फ्लावर होता है यानी कि मैदा होता है उसे आप डस्टिंग कर ले, जिससे कि केक जो है वो छूटने में आसानी होगा। और ये हमारा बटर पेपर लगा कर मोल्ड रेडी है।
और हमने जो केक का बैटर बना के रखा है इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसे 2 से 3 बार हम टैप करेंगे जिससे कि इसके अंदर जो भी हवा होगी वो निकल जाएगी। यहाँ पे भगोना भी अच्छे से हमारा गर्म हो गया है, तो अब ये जो हमारा केक का मोल्ड है इसे हम सावधानी से रखेंगे और इसे ढककर लो टू मीडियम के बीच 45 से 55 मिनट के लिए बेक होने देंगे। ये देखिए 50 मिनट हो गया है और हमारा जो केक है वो ब्राउन भी हो गया है। आपको इसके ऊपर हल्का सा क्रैक नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये परफेक्टली बेक हो गया है। फिर भी हम इसे अंदर से चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से पका है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारा टूथपिक अच्छे से क्लीन निकला है, यानी कि ये परफेक्ट पका है। गैस को ऑफ करेंगे, अगर ये क्लीन ना निकले तो आप इसे और 5 मिनट के लिए बेक करें और इस मोल्ड को हम बाहर निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से निकल के आ गया है। तो ऊपर का जो बटर पेपर है इसे हम निकाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा केक बना है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। तो मैं आपको इसकी स्लाइस कट करके दिखाती हूँ और ये देखिए आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा कितना परफेक्ट बना हुआ है। इसमें जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे, टूटी फ्रूटी डाली थी, वो सभी अच्छे से नज़र आ रही हैं, परफेक्ट स्पंजी भी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।